हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं नाइट ड्रेस। तो गाइस, इसके टॉप का जो हम लुक देंगे वो कोट कॉलर का लुक देंगे। तो वीडियो को मैंने बहुत डिटेल में समझाया, तो वीडियो को पूरा देखें। तो गाइस देखिए, हमने जो ये कपड़ा लिया है ये कॉटन का कपड़ा है और हमने 4 मीटर कपड़ा लिया है। इसकी जो विड्थ है वो हमारी 43 इंच की है। तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। जो हमारा 4 मीटर कपड़ा था उसमें से हमने ये 40 इंच का कपड़ा निकाल लिया। ये हमारा डबल करके हमने 40 इंच लिया, मतलब हमारा ये लगभग 2.25 मीटर कपड़ा हमने इसमें से ले लिया था। इसकी जो विड्थ इस तरह से आ रही वो हमारे 21.5 इंच आ रही है। तो सब दोनों पर्दों को हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। जो हमारी ओपन साइड है उधर की तरफ जो किनारी होती है उसको हम निकालने के लिए इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे। उसके बाद नीचे से मोरी फोल्ड के लिए हम यहाँ से देखिए 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आप चाहें चौड़ा फोल्ड करें या उससे कम पतला फोल्ड करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ये निशान लगा सकते हैं। हमने 2 इंच पर निशान लगाया और इन्हीं निशानों को हम आपस में मिला देंगे स्केल की सहायता से। इस तरह से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद बात आती है लंबाई की। तो हमारी जो लंबाई है वो हमारी 36 इंच की इसकी लंबाई है। तो जहाँ से हमने नीचे फोल्ड के लिए निशान लगा वहीं से इंची टेप को रखेंगे और 36 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए आगे भी हम एक निशान लगाएंगे 36 इंच। इस निशान से क्या होता है, आगे लगाने से जो हम ये लाइन खींचते हैं वो हमारी एकदम सीधी स्ट्रेट हो जाती है, मतलब एकदम सीधी खींचेगी। आपस में इस तरह से मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेफा फोल्ड के लिए हम 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं। 2 इंच पर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इसमें 1.5 इंच की इलास्टिक डालेंगे। 1/2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो इस तरह से हमारा 1.5 इंच मिल जाएगा। जितनी चौड़ी आप प्लास्टिक डालें उससे 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा ही रखें। इसकी जो कमर ले रहे हैं हम 10 इंच की ले रहे हैं। 10 इंच की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कमर का साइज है 32। 32 का चौथा हिस्सा होता है 8, तो हमने 2 इंच प्लस करके 10 इंच पर लगा दिया। क्रोच एरिया हम लगा रहे हैं 13 इंच पे। देखिए, अगर आपका कमर का साइज 32 है तो ये आपके लिए परफेक्ट है पैंट एकदम। इस तरह से इस मेजरमेंट से आप कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे और स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से भी नीचे से भी इसको सीधा कर लेंगे गाइस। उसके बाद हम देखें यहाँ पे जो आसन की गोलाई देते हैं, तो हम यहाँ पे आसन की गोलाई 2 इंच पर देंगे। तो 2 इंच पर निशान लगा लेंगे, ऐसे इंची टेप रखेंगे और हाफ फोल्ड कर लेंगे। बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम मोरी के लिए निशान लगाएंगे। एक बार मैं मेजर कर लेती हूँ कितना रहा हमारा आ रहा है यहाँ पे 12 इंच। तो इस तरह से हाफ फोल्ड करें इंची टेप को और बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे और इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह से देखिएगा, ये हमारा 20 सेंटर निकल गया है। अभी हमारी मोरी 8 इंच की, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी मोरी आप रखना चाहते हैं उसका हाफ फोल्ड कर लें। 8 इंच की मोरी हाफ फोल्ड करेंगे तो 4 इंच आएगा। 4 इंच रखेंगे इंची टेप को 20 सेंटर में, 4 इंच इधर और 4 इंच उधर, मतलब उधर 8 इंच पर लगा लेंगे निशान, इधर 4 इंच पर। दोनों को नापेंगे तो हमारा 4-4 इंच दोनों साइड हो जाएगा। सेब पट्टी लेंगे और इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेब पट्टी से इसका सेप दे देंगे। ऊपर से हम रखेंगे सेप पट्टी को, यहाँ से जो हमारी साइड से क्रीज हो जाती है वो बिल्कुल भी नहीं होंगी, इसका इस तरह से सेप दे देंगे। उसके बाद देखिए ये हमारा जो आसन है इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, हल्की सी ही इसकी गोलाई देंगे। इस तरह से देखिए हमारा फ्रंट पार्ट था। बैक पार्ट के लिए हम यहाँ से 2 इंच रखेंगे। यहाँ से देखिए क्रोच एरिया से मिलाते हुए अपने इंची टेप को रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ से भी हम इसके जो गोलाई देंगे यहाँ से हम 2 इंच रखेंगे और 2-2 इंच हम नीचे तक रखते चले जाएंगे। गाइस देखिए पूरा हम यहाँ पे लूजिंग जो देंगे बैक पार्ट के वो हम 2-2 इंच पर देंगे। तो नीचे तक हम 2-2 इंच रखेंगे। हम दोनों पर्दे एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो हमें दोनों पर्दों को एक साथ ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेप पट्टी लेंगे और इसका भी हम सेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमारा बैक पार्ट है इस तरह से। अभी गाइस हम इसकी जो है गोलाई दे देंगे आसन की। अब हम अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। तो पैंट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमने फ्रंट पार्ट के निशान लगाए थे ना उसकी कटिंग करेंगे। उधर साइड से तो दोनों बराबर कटिंग होंगे गाइस, लेकिन इधर से हमारा जो एक्स्ट्रा हमने लिया है 2-2 इंच वहाँ से कटिंग होंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, देखिए जो बैक पार्ट के निशान है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो गाइस अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। उसके बाद देखिए हमारा जो बैक पार्ट है उसको हम एक साइड निकाल कर रख लेंगे। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है और जो इस पर हमने ड्रॉ किया था फ्रंट पार्ट का, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कटिंग कर लेंगे गाइस। देखिएगा इससे क्या होगा, हमारे दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हो जाएंगे। देखिएगा तो हमारे दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे हमारे रखे हैं हम वैसे ही रखेंगे इनको। देखिएगा इस तरीके से। अभी हमें सबसे पहले आसन की सिलाई लगाते हैं, तो हम यहाँ से आसन की सिलाई लगा देंगे ऐसे ही जैसे हमारे रखे हैं।
हमने आसन की सिलाई लगा दी है। इस तरह से हम इसको खोल के रखेंगे, मतलब हमारा ये बैक पार्ट है, नीचे ऊपर से हम इसका फ्रंट पार्ट रखेंगे। देखिएगा बैक पार्ट हमारा बड़ा होता है और फ्रंट पार्ट हमारा छोटा होता है, तो साइडों से हमें बिल्कुल बराबर मिला के रखना होता है, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। देखिए इस तरह से हम बिल्कुल पहले बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे दोनों पर्दों को हम आपस में। देखिएगा इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड की भी हम बिल्कुल बराबर रखेंगे मिलाते हुए, और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस देखिए हमारी साइडों की सिलाई लग गई है, अभी हम अपनी ये वाली साइड की सिलाई लगाएंगे जो हमारी आसन वाली होती है, जो हमारी फिटिंग की सिलाई होती है, ये वाली देखिए इसकी भी सिलाई लगा ली है। मोरी फोल्ड करेंगे, जितना हमने नीचे 2 इंच दिया था उतना फोल्ड करेंगे और आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से इसको भी हम 2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो मोरी भी हमारी फोल्ड हो गई। अब बारी आती है नेफा फोल्ड की, तो नेफा फोल्ड भी हमने 2 इंच रखा था, तो 2 इंच इस तरह से देखिए अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे आगे पीछे से इस तरीके से। देखिएगा उसके बाद हमें इसमें भी आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है, आधा इंच अंदर की तरफ मार्जिन देते हुए इसको हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। लेकिन इसमें जब हम सिलाई लगाएं तो थोड़ी सी ना हम इसमें खुली साइड छोड़ देंगे, देखिएगा इतनी सी खुली साइड जिससे हम इसमें लास्टिक अटैच कर सकें, थोड़ी खुली साइड छोड़ दी है हमने। हमने नेफा फोल्ड कर लिया, अब हम लास्टिक ले लेते हैं। लास्टिक की जो चौड़ाई ले रहे हैं ना हम, वह हम ले रहे हैं देखिए 27 इंच की। एक अल्पिन की सहायता से हम इसमें जहाँ से हमने ओपन साइड रखी है ये खुली साइड, यहीं से अपने लास्टिक को पूरे में इसमें राउंड राउंड घुमाते हुए अटैच कर लेंगे, मतलब लास्टिक अपनी डाल लेंगे। तो हमारी देखिए लास्टिक डल गई है, आप पिन निकाल देते हैं पहले। अभी हम इन दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे, और जो हमारी खुली साइड है उसको भी बंद कर लेंगे। तो देखिए हमारी पैंट तो रेडी हो गई है। देखिए ऊपर से हमने बीच सेंटर में एक सिलाई और लगाई है जिससे हमारी लास्टिक सुकड़े नहीं, और फिनिशिंग भी आती है, गैदर भी अच्छी हो जाती है। इस तरह से देखिएगा हमारी पैंट का फाइनल लुक आप देख सकते हैं, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट बन के रेडी हो गई है इस तरह से देखिएगा गाइस। तो वीडियो अगर सच में पसंद आई है, पैंट आपको समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अभी बात आती है हमारी देखिए ऊपर के टॉप की। तो कपड़े को हमने पहले फोर फोल्ड करके रखा था, लेकिन बैक पार्ट को हम अलग से कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट को हम अलग से। तो सबसे पहले हम इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे, बैक पार्ट हमने हटा दिया, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए ओपन साइड हमारी तरफ रहेगी और इसको अच्छे से डबल फोल्ड करते हुए बिछा लेंगे कपड़े को। तो गाइस हमने कपड़े को अच्छे से इसको बिछा लिया, अभी मैं इसकी लेंथ नाप के आपको दिखा देती हूँ। तो हमारी जो इसकी लेंथ है ना गाइस, वो हमारी है पूरे 1 मीटर, मतलब 39 इंच की। 2-2 इंच इधर से लेंगे अपनी, जहाँ जिधर की साइड हम बैठे हैं ओपन साइड है, उधर से 2-2 इंच हम कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से देखिए ये हमारा आगे का पर्दा है, तो 2 इंच हमें इस साइड से एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि हम आगे बटन पट्टी लगाते हैं इस तरीके से। तो इसी इन्हीं निशानों को हम आपस में इस तरह से मिलाते हुए चले जाएंगे। देखिए उसके बाद हमें नीचे से फोल्ड के लिए यहाँ से लेना होगा 1.5 इंच। हम यहाँ से 1.5 इंच ले रहे हैं फोल्ड के लिए, यहाँ से भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को भी हम आपस में मिला लेंगे गाइस इस तरह से। उसके बाद हम लंबाई ले रहे हैं, लंबाई हम रखेंगे अपनी 28 इंच की। तो 28 इंच पर निशान लगा लेंगे, इधर आगे भी हम 28 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। गाइस हम गले की जो विड्थ ले रहे हैं वो 2.75 इंच ले रहे हैं इस तरह से, और इधर से भी हम 2.75 इंच ही रखेंगे और एक बॉक्स सा बना लेंगे देखिए इस तरह से, और गोलाई दे देंगे यहाँ से गले की। इसके जो हम शोल्डर लेंगे वो हम 7.5 इंच के लेंगे, तो हमारा जहाँ से हमने 2 इंच निशान लगाया था वहीं से 7.5 इंच रखेंगे, 1 इंच नीचे की तरफ इस तरह से डाउन कर देंगे इसको, और स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देंगे। देखिए शोल्डर को हमने 1 इंच नीचे की तरफ डाउन कर दिया है। अभी हम इसका जो आर्म होल लेंगे ना गाइस, वो हम ले रहे हैं देखिएगा 7 इंच, यहाँ से 7 इंच हम इसका आर्म होल ले रहे हैं। यहाँ से हमारा 7.5 है, तो नीचे से भी 7.5 रखेंगे और यहाँ से इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। देखिएगा उसके बाद हम अपना चेस्ट का साइज लेंगे, तो हम 10 इंच रख रहे हैं, मतलब थोड़ा लूज ही रखेंगे क्योंकि गर्मियों के लिए बना रहे हैं, तो एकदम फिटिंग में नहीं रख रही, तो मैंने अपनी फिटिंग से 1-1 इंच एक्स्ट्रा ही लिया। नीचे से भी हम 10 इंच ही रखेंगे, आप चाहें तो नीचे से बढ़ा भी सकते हैं अगर आप इसको नीचे से बढ़ाना चाहते हैं। अब इस तरह से इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमने कमर की फिटिंग नहीं दी है, लेकिन मैं फिटिंग आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे कमर की सिर्फ 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन कर रही हूँ, क्योंकि ये शर्ट रहती है तो फिटिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, फिटिंग भी दे सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन किया है इस तरह से देखिएगा। उसके बाद गाइस देखिएगा हम यहाँ से अपने आर्म होल की गोलाई दे देंगे।
देखिएगा, कॉर्नर से रखेंगे इंची टेप को 2 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से, और डाउन कर देंगे ऊपर की साइड को, और गोलाई दे देंगे यहाँ से हम। ये हमने गोलाई दे दी है। अभी हम यहाँ पर 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं, 1 से आधा इंच ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप, क्योंकि फिनिशिंग नहीं आएगी। फिर अब यहाँ से हमने देखिए 1.5 इंच रखा था ना नीचे फोल्ड के लिए, तो 1.5 इंच ही रखेंगे और इस तरह से एक राउंड शेप दे देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने गाइस देखिए अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है, इसका लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर हम नोच लगा लेते हैं, यहाँ पर हम कट लगाएंगे जहाँ से हमारा ये फोल्ड होगा। अभी हमारा जो हमने कट लगाया उसको हम बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। हमने अपना पैक पर्दा रख लिया है डबल फोल्ड करके, और हमारी जो बंद साइड है वो हमारी तरफ है इस टाइम, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अभी हमने जो ये 2 इंच पे एक्स्ट्रा रखा था उसको हमने बाहर निकाल के रखा, ऊपर से शोल्डर को बिल्कुल बराबर मिलाएंगे पहले, उसके बाद 1-1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखेंगे। बैक पार्ट को हमेशा हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे, 1 से आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, बट मैं 1 इंच रख रही हूँ तो आप भी 1 इंच रख सकते हैं इस तरह से। देखिएगा अभी निशान को हम आपस में मिला लेंगे। उसके बाद गाइस देखिए हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे, तो हम यहाँ से आर्म होल को 1/2 इंच के लगभग, 1/2 इंच के लगभग एक्स्ट्रा रखेंगे, और बिल्कुल इसी सेम अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। 1 इंच हम यहाँ से इसकी लेंथ दे रहे हैं गले की, बैक की, तो गले की गोलाई दे देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो हमने देखिए बैक पार्ट को भी कटिंग कर लिया इस तरह से। अभी जो साइड से कपड़ा बचा इसी से हम अपनी स्लिप निकालेंगे, तो हम हाफ स्लिप निकाल रहे हैं इस तरह से। देखिएगा अभी इसको पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से कट के इकसार कर लेते हैं पहले। देखिए इसको पहले बराबर करेंगे और यहाँ से कपड़ा एकसार कर लेंगे। अभी हम इसको एक बार 4 फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से। इसको भी काट के थोड़ा सा एकसार कर लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, इसको कट कर लेंगे। अभी हमारी देखिए नीचे से फोल्ड के लिए 1.5 इंच का लेंगे हम, यहाँ से फोल्ड के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 6 इंच की रहने वाली है स्लिप की, देखिए इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। अभी यहीं से इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद साइड से हम देखिए लेंगे 2.5 इंच, और नीचे से भी 2.5 इंच लेंगे और गोलाई दे देंगे अपनी स्लिप की। देखिए मैं डिटेल में नहीं बता रही, जैसे नॉर्मल स्लिप कटिंग करते हैं हम वैसे ही करेंगे। जैसे हमारा मुड्ढा 8.5 या 9 बैठा तो वैसे ही निशान लगाएंगे, हमारा मोरी 6 इंच का रहेगा, और इन दोनों को मिलाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हम अपनी स्लिप की कटिंग कर लेंगे। नोच लगा लेंगे यहाँ पर, देखिएगा अभी हम हल्की सी फ्रंट के लिए गोलाई दे देंगे अपनी स्लिप की, देखिएगा, और यहाँ पर भी नोच लगा लेंगे फोल्ड के लिए। उसके बाद देखिएगा ये पट्टी लेंगे जो हमने 30 इंच की ली है, और इस तरह से इसकी चौड़ाई हमारी 12 इंच की है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे अच्छे से, इसको फोल्ड डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ से देखिए 6 इंच आ रहा है, इस तरह से हम इसको 13 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे 13 इंच पर। उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और नीचे तक हम 3-3 इंच पर निशान लगाते चले जाएंगे। इसकी जो लंबाई है हमने अपनी शर्ट की लंबाई के अकॉर्डिंग ही रखी है, उसे हम थोड़ी बहुत 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखी है, बाद में हम एक्स्ट्रा उसको कटिंग कर लेना। उसके बाद हम देखिए जो गले की गोलाई है यहाँ से हम इसकी यहाँ से मिलाते हुए गोलाई सी हल्की सी दे देंगे इस तरह से, देखिएगा। अभी हम इस पट्टी की कटिंग कर लेंगे, ये हमारी कोट कॉलर की जो हम पट्टी अटैच करेंगे वही पट्टी हम इसको कटिंग कर रहे हैं, वही हम इसको लगाएंगे। तो ये पट्टी हमारी देखिए कट हो चुकी है गाइस। उसके बाद देखिए मैं दिखा देती हूँ इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इसको हम अटैच कैसे करेंगे तो वही हम आपको बताएंगे। हम एक पर्दा ले लेते हैं पहले, दूसरा पर्दा भी इसकी साइड में रखेंगे, और इसको हम इस तरह से रखेंगे, देखिएगा ऊपर से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए दोनों पट्टियों को, गले से ऊपर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे। अभी इस पे हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन सिलाई तो हम लगाएंगे, लेकिन हम एक बार इसको पलट के अच्छे से समझा देती हूँ। जो हमारा गले की देखिए गला है, ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना, वहीं पर हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर, और इस 2 इंच से ही हम इस तरह से सिलाई ले आएंगे और नीचे तक सिलाई ले जाएंगे। देखिएगा ऐसे सिलाई ले जाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे। दूसरे में भी हम इसी तरीके से 2 इंच पर निशान लगाया है, देखिए लगा हुआ है पहले ही हमारा, और ऐसे इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों पर हमने इसी तरीके से सिलाई लगा ली है, देखिए यहाँ से ऐसे हमारी सिलाई लग चुकी है दोनों पर। उसके बाद जो हमारे गले के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको हम कट करेंगे, देखिएगा ये जो कपड़ा है हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको, उसको कट करेंगे। एक में ही मैं समझा देती हूँ तभी आप समझ पाएंगे। इसको जो एक्स्ट्रा इसको हम कट कर लेंगे अच्छे से, ये हमारा कट हो गया, ऊपर से भी हल्का सा कट करेंगे। दूसरे बाद पर्दा जो है हमारा उसका भी हम इस यहीं से कट कर लेंगे गले को।
तो हमने गाइस देखिए कटिंग कर ली है। अभी जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था ना गाइस, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से हम कट लगाएंगे। जो हमने यहाँ से सिलाई लगाई थी ना 2 इंच से, यहीं पे कट लगा लेंगे सिलाई से थोड़ा सा आगे, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल उसके बराबर में, ना कि सिलाई कटनी चाहिए। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से इसको ना प्रेस से बिठा लेंगे ताकि अच्छे से ये फिनिशिंग आ जाए इस तरह से। अभी ये जो देखिए इस तरह से इसको फिंगर की सहायता से फोल्ड करेंगे और जो कट है वो इस तरह से आ जाएगा हमारा। देखिए इस तरह से कुछ लुक आएगा इसका, अच्छे से इसको प्रेस करके बिठा लेंगे। अभी हम देखिएगा इसको अच्छे से इसके कोने को निकाल देते हैं पेचकस की सहायता से, किसी भी नुकीली चीज़ से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे, देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम इसको फोल्ड करेंगे और एक रफ़ सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन हम रफ़ सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इसमें तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने से थोड़ी सी फिनिशिंग दिखती है। इस तरह से हम इसमें तुरपाई कर लेंगे, सिलाई लगाएंगे। दूसरे को भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। ऊपर देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर भी हम कट लगाएंगे इसके और इसको भी इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। देखिएगा अच्छे से इसको भी प्रेस से पहले बिठा लें कोने को, उस कोने को निकालेंगे हम किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से और अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे इसमें। और इसको भी हम फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम एक रफ़ सिलाई लगा लेंगे जिससे हम इसमें तुरपाई कर लें, आसानी हो जाए हमें तुरपाई करने में थोड़ी सी। इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे, देखिएगा। तो गाइस देखिए हमने इस पर तुरपाई कर ली है। अभी हमारे दोनों पर्दे आगे के रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ इसका लुक उस तरीके से आएगा, लेकिन ये हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले हम इसका बैक पर्दा ले लेते हैं। अब बैक पर्दे के हम आप दोनों पर्दों को रखेंगे, शोल्डर अटैच करेंगे। ऊपर से हमें बिल्कुल बराबर मिला के रखना है, नीचे से थोड़ा सा हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा क्योंकि हमने बैक पर्दे को एक्स्ट्रा रखा था, लेकिन बाद में वो बराबर हो जाएगा। कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। फिर बाद में सोचेंगे आप हमें समझ में नहीं आया, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम दूसरे पर्दे को भी रखेंगे और शोल्डर से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रख लेंगे गाइस। यहां से शोल्डर अटैच कर लेंगे अपने। तो गाइस हमने शोल्डर अटैच कर लिया, अभी इसको नीचा खींचेंगे इस तरह से बिल्कुल बराबर मिला लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद देखिएगा अभी हमारा जो आर्महोल है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बराबर मिल चुका है, नीचे से भी बराबर हो गया। यहाँ से हमारा आधा आधा इंच ये थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो यहीं पर हम नोच लगा लेंगे, मतलब कट लगा लेंगे यहीं पर। अभी हम स्लिप लगाएंगे, तो हमने स्लिप को नीचे से फोल्ड कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमने जो कट लगाया वहीं पे मैं चौक से आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। स्लिप का भी सेंटर यहीं पे रखेंगे हम यहाँ से, और अपनी स्लिप को हम अटैच कर लेंगे। जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है ना वहाँ से हमें नई स्लिप को अटैच करना है, जो हमने कट लगाया वहाँ से हमें स्लिप को अटैच करना है। इस तरह से अटैच करेंगे। दूसरी साइड की स्लिप को भी हम इसी तरीके से रखेंगे, कट के ऊपर कट टू कट रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको हम अटैच कर लेंगे। तो गाइस हमने स्लिप अटैच कर ली, अब हम साइड की फिटिंग लगा देंगे। दूसरी साइड से भी हम चौक से निशान लगाएंगे और फिटिंग लगा लेंगे और नीचे से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे हैंड टू हैंड। तो गाइस हमारी देखिए नीचे से फोल्ड हो चुका है, अभी हमारी पूरी ये इस तरह से लुक आएगा, मतलब हमारी टॉप रेडी है, बस हमें इसमें कॉलर अटैच करना है। तो कॉलर का मेजर कैसे करेंगे, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, देखिएगा यहाँ से बिल्कुल बराबर करेंगे। देखिएगा जो हमने ये यहाँ से जो हमने देखिए यहाँ से मेजर करेंगे, आगे से जो हमारी पट्टी है उसको 2 इंच छोड़ते हुए इसको हम मेजर कर लेंगे, मतलब इसका मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा ये आ रहा 8 इंच, हमने इसको नापा तो 8 इंच आ रहा है हमारा, तो 8 इंच ही हम इसका रखेंगे कॉलर। पहले इसमें बीच में कट लगा लेंगे। तो कॉलर को कैसे नापेंगे, देखिए हमने ये बुकरम पेपर ले लिया है, इसके ऊपर हम अपना कपड़ा चिपका लेंगे। हमने बुकरम पेपर पे कपड़ा चिपका लिया है गाइस, देखिए इसकी जो लंबाई हमारी 19 है और इस तरह से हमारी ये 8 इंच है। इस तरह से इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक बार इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। अभी ये इस तरह से देखिए ओपन साइड हमारी वो सॉरी बंद साइड हमारी तरफ रहेगी। इसकी जो लेंथ ले रहे हैं हम वो हम 3 इंच लेंगे, तो 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। देखिए 8 इंच का हमारा कॉलर था, तो हम 8 इंच रखेंगे और एक निशान लगा लेंगे। देखिएगा यहाँ से भी 3 इंच रखेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। उसके बाद देखिए हमारा ये तो सिलाई आ जाएगा, एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे हम आधा इंच से कम थोड़ा सा यहाँ पर, और हल्का सा यहाँ से आड़ा कर देंगे और रेप दे देंगे आधा इंच के बराबर, यहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से बीच में नोच लगा लेंगे। अभी हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से प्रेस से दबा दें और साइडों की इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं आपको मशीन पे लगा कर दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, हमने सिलाई लगा ली है। आप चाहें तो प्रेस से ही दबा दें, सिलाई ना लगाएं, मैंने फिर भी सिलाई लगा ली थी ताकि लगाने में थोड़ी आसानी हो जाए। इसको हम इस तरह से देखिए सिलाई लगा कर बंद करेंगे एक साइड से, इसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। अभी हम अपने कॉलर को देखिए पलट लेंगे गाइस, इस तरह से देख सकते हैं आप।
और अच्छे से ना इस पर प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। इसके कोने निकाल देते हैं किसी भी नोकेली चीज़ से इस तरह से, और एकदम प्रेस करके इसको बैठा लेंगे। हमने देखिए ये बी सेंटर है हमारे इसको शर्ट का और कॉलर का बी सेंटर, दोनों को हम आपस में मिलाते हुए इसको सिक्वेयर कर लेंगे किसी भी आल पिन से। देखिए हमने इसको सिक्वेयर कर लिया। यहाँ से हम कॉलर को अटैच करेंगे 2 इंच छोड़ते हुए, जो हमने 2 इंच सिलाई लगाई थी वहीं से इसको छोड़ते हुए देखिएगा यहीं से हम अपने कॉलर को अटैच करेंगे। कॉलर लगाना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम लोगों को लगता है। तो अभी हमें कॉलर को देखिए वहीं तक लगाना है जहाँ तक हमने 2 इंच पर पहले सिलाई लगाकर छोड़ा था, देखिए जहाँ से हमने कट लगाया था। तो हमारा कॉलर लग चुका है एक साइड से, थोड़ी छोटे से कट लगा लेंगे। हमने कॉलर को टर्न कर लिया है उल्टी साइड में। अब ये जो हमारी मार्जिन की सिलाई है इसको हम अंदर करेंगे, बाहर की तरफ नहीं, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसको हम अटैच कर लेंगे इस तरह से देखिएगा। और हल्के हाथों से, ना खींचोगे तो बहुत झोल आ जाएगा, इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। हल्के हल्के हाथों से हमें इसमें कॉलर को अटैच कर लेना है गाइस। तो गाइस हमारा कॉलर अटैच हो गया है, तो चलिए मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अभी हमें इसमें बटन लगाने हैं, तो हम जो बटन लगाएंगे इसमें देखिएगा इस तरह से हम इसमें बटन अटैच कर देंगे गाइस। तो गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया, बाय बाय।